दोस्तों इस रेसिपी को क्या बोलेंगे, क्या नाम देंगे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। लेकिन ये रेसिपी बहुत ही खास्ता बनती है और बहुत ही हेल्दी है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बोल में ले लिया है 1 कप के करीब आटा, उसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून तेल, आप घी भी डाल सकते हैं। अब डाल दिया है मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालिएगा, टेस्ट तभी बहुत अच्छा आता है। अब डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार, और फिर इसे हाथों से मिला देना है। अच्छे से मिला दीजिए, जब हाथों में ये सेप होल्ड करने लगेगा तब हम इसका डो रेडी करेंगे। पानी को हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और पानी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर का होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं ज़्यादा गर्म नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी होना चाहिए। और फिर हम इसका डो रेडी कर लेंगे। डो बहुत सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड ही होना चाहिए। अब इसे हम ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसका पोर्शन बना लेंगे, और फिर थोड़े से आटे का डस्ट ले लेंगे, या फिर आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे रोटी जैसा बेलने के लिए। मैंने आटे का डस्ट लिया है और इसे बेल लेना है। बहुत पतला नहीं बेलना है, मीडियम साइज़ का होना चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, आप थिकनेस देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर डाल देंगे गार्लिक बटर, मेरे पास गार्लिक बटर है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल बटर या फिर घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी थोड़ी सी डाल दी है, और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, और फिर इसे अच्छे से फैला देना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा भी इस्तेमाल किया है, सूखा हुआ आटा इसे फैलाने के लिए, तो आप वो भी डाल दीजिए और इसे अच्छे से फैला दीजिए। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है, 1 हफ्ता 10 दिन इसको स्टोर भी कर सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब हमें इसे रोल कर लेना है, तो जैसा मैं रोल कर रही हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही रोल कर लेना है। और जब ये पूरा रोल हो जाए तब हम थोड़ा सा उसको प्रेस करते हुए बड़ा करेंगे, ताकि ये अच्छे से टाइट भी हो जाए, अच्छे से मोल्ड हो जाए, चिपक जाए, और फिर हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहे तो टुकड़ों का साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। और अब एक पोर्शन को ले लेंगे, और फिर हमें इसे फिर से बेल लेना है। तो बहुत पतला बहुत मोटा नहीं बेलना है, इस तरीके से बेल लीजिए। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल लच्छे पराठा जैसा लगेगा, ये देखिए। तो ठीक इसी तरीके से हम सारे पोर्शंस को, यानी सारे पीसेस जो है उसको हमको बेल के रख लेना है। टी टाइम के लिए, यानी कि चाय के साथ खाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता है, बहुत ही खास्ता बनता है। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम अच्छे से कर लिया है, तेल को अच्छे से गरम कर लेना है, फिर फ्लेम को मीडियम कर लेना है, उसके बाद हमें इन पूड़ियों को फ्राई कर लेना है। तो डीप फ्राई कर लीजिएगा, जब ये एक तरफ अच्छे से फ्राई हो तभी हम सारी पूड़ियों को दूसरी तरफ से पलट देंगे, और फिर दोनों तरफ हमें पलटते हुए इसको गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। ये बहुत ही मज़ेदार का नाश्ता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए पूड़ियाँ बनकर बिल्कुल तैयार है, ठंडा हो जाने दीजिए। ठंडे हो जाने के बाद इसको आप एयरटाइट कंटेनर में रख दीजिए, और 1 वीक 10 दिन आराम से इसको खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।